कौन सा डिश बोले भैया इसको? राजस्थानी लाल मांस। राजस्थानी लोग अरे देहाती हो तो कहा जाते हो। पूरा बेइज्जती करा था वो लड़का। हाँ ये हुए ना बात। लाल मांस ठीक है, छुपाए दे राज हो नहीं बताएंगे नाम का। अच्छा पूरा ब्लॉग डाल बाबू देख ले। हे गाइस गुड मॉर्निंग, जोहार सभी को। आई होप कि आप लोग बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दरअसल अभी पिकनिक का मौसम चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग भी आ गए हैं पिकनिक मनाने के लिए। देख सकते हैं जंगल में है, और ये रहा मेरा कार। और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा फ्रंट का व्यू दिखाते हैं कि कौन सा जगह में है हम लोग। तो देख सकते हैं यही वह नज़ारा है, शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा या नहीं भी पता चलेगा तो चल ही जाएगा। देख सकते हैं फिलहाल लोकेशन यहाँ का, ये है कार, और इसी कार में हम लोग आए हैं। और देखते हैं आगे पूरा जंगल है और साथ में डैम भी दिख रहा है, तो आई थिंक आप लोग गेस करके बता सकते होंगे कि ये रेमता डैम है। देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है। और मेरे साथ आए हैं भैया लोग। दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग आए हैं जिम वाले मेंबर्स, बोले तो जिम वाले भैया लोग साथ आए हैं। देख सकते हैं क्या क्या बना रहे हैं, लगता है कुछ तो गजब वाला चीज़ बन रहा होगा। देखते हैं जो सामने में दिख रहा है वही भैया लोग हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं भैया लोग के साथ यहां रेमता डैम पिकनिक मनाने के लिए, और देख सकते हैं कुछ कुछ बना रहे हैं। तो जाते हैं फोकस करते हैं सामने कि क्या बना रहे हैं। आज फुल्ली मूड में है, ब्लॉगिंग के मूड में, तो मज़ा आएगा गाइस, तो बने रहेगा मेरा वीडियो में। थोड़ा सा दिखाते हैं ये लोगों को, देख सकते हैं ये है भैया लोग, और अपना अपना बन रहा है। क्या बन रहा है? चिकन फ्राई। हाँ देखिए ये भैया है, तल रहे हैं पूरा, निकाल रहे हैं, बन रहा है। अच्छा गोपाल को खिलाएंगे, पूरा होगा फुल। किसका नीड होगा पूरा आज दिन भर का प्रोटीन, हम नहीं खाएंगे भाई। देख सकते हैं, और आप लोग यहाँ का सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। लोकेशन तो गाइस बहुत ही जबरदस्त है, देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही तगड़ा है। लेकिन दरअसल बताना चाहूंगा कि ये कचड़ा हो जगह, ये जगह कचड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और साफ सुथरा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग आइएगा तो साफ सुथरा करके जाइएगा गाइस। देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है, और यहाँ पे बोटिंग वोटिंग भी होता है। ये जंगल के बीच में है ये सीन, बहुत ही जबरदस्त, इसको बोलते हैं रेमता डैम। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा अभी, और हम लोग वाइब करने वाले हैं, मजा करने वाले हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस कि पिकनिक के लिए सबसे मस्त जगह है रेमता डैम में, आइए आप लोग और एंजॉय कीजिए फुल्ली मस्ती। पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं लेके आ सकते तो भी चलेगा। फिलहाल तो आपको यहाँ का पूरा सीन दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, पूरा जंगल है, और जंगल में साथ जंगल के साथ यहाँ पे अच्छा लोकेशन पॉइंट भी है, आप लोग व्यू का मजा भी ले सकते हैं। साथ में इतना अच्छा जगह है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा फुल्ली जगह है यहाँ पे, आप लोग आके एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली जगह है। थोड़ा सा आप लोगों को फिर से सामने से दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। देखिए पूरा यहाँ का व्यू बहुत ही डेंजर है, देख सकते हैं, और साथ में आप लोगों को सामने डैम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही मस्त जगह है, देख सकते हैं, और यहाँ पे पिकनिक मनाया ही जाता है, स्पेस काफ़ी है। और उसके बाद आप लोगों सुंदर सा पेड़ का भी मजा ले सकते हैं, छांव का मजा ले सकते हैं, प्राकृतिक का मजा ले सकते हैं, यहाँ का व्यू का मजा ले सकते हैं। क्या बोलूँ गाइस, आप लोग इतना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आप लोग रेमता डैम में, काफ़ी स्पेस है पिकनिक मनाने के लिए। खासकर लोगों को मैं लोकेशन दिखाते दिखाते पहुँच गया हूँ इस साइड रेमता डैम का, देख सकते हैं। दरअसल यहाँ का मैं ब्लॉग्स पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए तो फिर से एक ब्लॉगिंग तो बनता है ना गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत मस्त है, देखिए यहाँ का एरिया, और यहाँ पे तो गाइस आप लोग आइएगा तो गजब टाइप से फोटो शूट करा सकते हैं। खासकर देख सकते हैं इस साइड में पूरा पानी भरल है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे फोटो शूट के लिए लोकेशन बहुत ही मस्त है। और मैं पहुँच चुका हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए सामने का व्यू, देख सकते हैं यहाँ पूरा डैम है, और पूरा मस्ती कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देखिए पूरा जगह, देखिए यहाँ का लोकेशन, देखिए बहुत मस्त है, देख सकते हैं ये रहा आपका रेमता डैम। यहाँ पे आने के लिए रास्ता बता देता हूँ, यानी कि लोकेशन ये रिमिक्स फॉल, यानी कि उसका रास्ता मिल जाएगा, रिमिक्स फॉल बोल सकते हैं, या तो दसम फॉल भी बोल सकते हैं, उसका रास्ता में जो आपको जंगल जो मिलेगा बीच में, यही लोकेशन यहाँ का रेमता डैम।
यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है और उधर उस साइड में मछली पालन भी होता है, देख सकते हैं पूरा व्यू यहाँ का। और देखिए इधर जंगल का गाइस सीन बहुत ही मस्त है। आई होप आप लोगों को वीडियो मजा आ रहा होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। कुछ कुछ भैया हैं जो कि अभी नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों को भी लेना है आज वीडियो में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो रेमता डैम है ना, झारखंड का सबसे बेस्ट जगह है पिकनिक के लिए माना जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, जो नहीं आए उनको आना चाहिए, और जो आए हैं वो तो बार बार आते हैं क्योंकि यहाँ का लोकेशन बहुत ही मस्त है ना, खासकर पिकनिक के लिए। यहाँ पे फैमिली वाले लोग भी आ सकते हैं, फैमिली ट्रिप भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भले जंगल थोड़ा सा घने हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं जंगल। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, उस साइड गया था मैं, सेकेंड साइड रेमता डैम का, और फिर जा रहा हूँ जहाँ पे भैया लोग कुछ कुछ बना रहे हैं, बोले तो चिकन उकन जो भी है, देख सकते हैं यही वाला सीन है। तो देख सकते हैं भैया लोग खा रहे चिकन और मेरे लिए है रसगुल्ला, बड़ी मजा आवट है, दिख रहा है ना इधर क्या, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन खा रहे हैं, मजा आ रहा है हमको। ऐसा डिगा तो सुशांत का स्टाइल गजब है। दरअसल थोड़ा सा लेट हो गया था, भैया लेट से आए थे। भैया पहले तो आपको मेरा चैनल स्वागत है, तो लोकेशन बताइए। हम अभी रेमता डैम में है। अच्छा, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं लेकिन भैया थोड़ा सा लेट से आए, कोई बात नहीं है, चलिए फिर एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, लोग देख सकते हैं मेरा भैया पधार चुके हैं, लगता है वैलेंटाइन डे मना के आ रहे हैं। भैया जी तब कैसे वैलेंटाइन डे कैसे रहा, इधर देखिए आज कौन सा डे है, और इधर आशीष भैया है, आशीष भैया इधर आइए ना थोड़ा सा, बगल होटल में खा के ले। हाय हेलो कर दीजिए, मेरा चैनल में आपका स्वागत है, ठीक है। तब जर्नी कैसे रहा, सिद्ध के साथ कैसे, मजा आया ना? मजा आया, पूरा मजा आया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल डिशेस बन रहे हैं, तो भैया बताएंगे क्या बन रहा है। अभी हम बना रहे हैं राजस्थान का लाल मांस, अभी हमने मटन बनाया है, इसमें हमने ना प्याज यूज किया है ना टमाटर यूज किया है, बस ये पेस्ट यूज किया है 15 मिनट के बाद। म्यूजिक बंद कर और फिर आपको दिखाएंगे एंड ऑफ लकी निकालने से पहले इसका कलर कैसा है एंड ये बना कैसे है, और फिर एंड में टेस्ट कैसा है इसका। तो देख सकते हैं भैया पूरा मेहनत के साथ बना रहे हैं यहाँ पे आज का डिश, स्पेशल डिश राजस्थानी लाल मांस। और इधर रोशन खड़ा है, देख रहा है, शायद भी फ्यूचर में बनाएगा, इसीलिए देख के सीख रहा है यहाँ। सीख रहा बीबी को कैसे बना के खिलाएगा। अच्छा ठीक है, इसका बीबी जो आने वाली कैसे बना के खिलाएगा, इसीलिए सीख रहा है। अच्छा कौन सा डिश बोले भैया इसको, राजस्थानी लाल मांस। राजस्थानी पूरा बेइज्जती करा था वो लड़का। हाँ ये हुई ना बात, लाल मांस छुपाए दे, राज हुई नहीं बताएंगे नाम का। अच्छा पूरा ब्लॉग डाल बाबू देख ले, चलिए ब्लॉग से बने रहेगा, आगे कुछ एंटरटेनमेंट होगा आपको दिखाएंगे, ठीक ना। सॉरी गाइस वीडियो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा क्योंकि बैड लाइट हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो को कवर नहीं करना सका पूरा। ओवरऑल लोकेशन रेमता डैम का बहुत ही मस्त है, आप लोग भी जाइए एंजॉय कीजिए, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जोहार झारखंड, जय झारखंड, टाटा बाय बाय।